Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. Today we will talk about some more definitions on sets. We will talk about universal sets, we will talk about intervals, and we will talk about Venn diagrams. And haan, kuch students ke doubts bhi hain, ek do questions hain, wo bhi hum log discuss kar lenge fatafat se. So what is universal set? We will talk about universal set first. What is universal set? As you can see that it is written over here, a superset of all the given sets. Now I hope आपको इस term का मतलब अच्छे से मालूम हो. What is superset? है? मान लीजिए set B है and this one is A. तो B को A का क्या कहेंगे? B is subset of A and A is superset of B. जब कोई set किसी set का superset होता है तो वो set दूसरे सेट को अपने अंदर कंटेन करता है. जैसे यहां ए ने बी को कंटेन कर रखा है तो ए विल बी सुपरसेट ऑफ बी. जो सेट सबसेट होता है वो उसके अंदर होता है, सब फोल्डर. जैसे मैं मोबाइल के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर में सबसेट, तो ये बी जो है वो ए फोल्डर के अंदर है, तो दिस वन इज सबसेट, सबसेट ऑफ ए. ओके, अ सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. अगर हमको कुछ सेट्स दिए हों, ठीक है, कुछ गिवन सेट्स हों और पूछा जाए कि उन सारे सेट्स का सुपर सेट क्या होगा, ठीक है, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट. या इस तरीके से भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द गिवन सेट्स, एक ऐसा सेट जो भी गिवन सेट्स है हमारे उन सबको कंटेन करता हो, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू. सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू. अब इस डेफिनेशन में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को लेकर. ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सॉरी, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ना, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, अभी मैं आपको इसका सेंस समझा रहा हूं कि ये क्यों लिखा हुआ है. और ये पार्ट ही डेफिनेशन को वेल डिफाइंड बनाता है. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. ए देखिए आप 2, 3, 5 कंटेन करता है, बी हैज मेंबर्स 11, 17 एंड 23. अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जो इसको भी कंटेन करता हो, इसको भी कंटेन करता हो. तो अगर किसी ने, किसी स्टूडेंट को ये लगा कि सर ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो कह देगा सर नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर. यही कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, किस संदर्भ में. अगर आप इसको नेचुरल नंबर्स के संदर्भ से देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इन दोनों को कंटेन करने वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर. कोई अगर इन दोनों सेट्स को इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सर ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो ये भी कह सकता है कि सर ये भी यूनिवर्सल सेट की तरह हो, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है. कोई कह सकता है कि सर मुझको तो ये सब रेशनल नंबर दिखाई दे रहे, तो कोई कहेगा कि सर रेशनल नंबर भी, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी. इससे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात को देख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देख रहे हैं. अगर आप इसको नेशनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सर ये भी नेशनल नंबर, ये भी नेशनल नंबर है, तो एन कैन बी यूनिवर्सल सेट. अगर आप इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जेड कैन बी यूनिवर्सल सेट, रेशनल नंबर. कोई कहे कि सर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, मुझे तो दोनों ही सेट्स सर प्राइम नंबर है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसे भी हम यूनिवर्सल सेट की तरह देख सकते हैं ए और बी के लिए. दैट इट मीन्स, ओके, अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, ऑल द गिवन इन गिवन सेट्स द सुपर सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जाम में दो या दो से ज्यादा सेट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है उनका यूनिवर्सल सेट बताइए, तो अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक और है ना, यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक सेट होता है ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, जो सेट्स हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग जो है उनके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट हमारा डिफाइन हो सकता है. अगर आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये सब नोट्स पर कर लीजिएगा यार. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरवल्स.
एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ। मैंने इसे कहा था कि आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बट किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, k प्लस वन ग्रेटर देन थ्री, और आपका आंसर आया, अरे इस इनइक्वालिटी से आया, मुझे आपको कोई क्वेश्चन बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा, k ग्रेटर देन ये वन उधर माइनस हो जाएगा टू, और k बिलोंग्स टू आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, तो यहां क्या आ रहा है, k ग्रेटर देन टू, यहाँ आ रहा है k इज ग्रेटर देन टू, इसका मतलब यहां पर k की वैल्यू टू से बड़ी, कोई भी रियल नंबर टू से ग्रेटर रखा जा सकता है। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे सर k तो एक सेट है, क्या k की कोई यूनिक वैल्यू आएगी, नहीं, यहां पर k की ढेरों इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन टू, है ना। आप ध्यान दीजिए, क्या इस सेट को मैं रोस्टर मेथड से लिख सकता हूं, तो जवाब होगा नहीं। रोस्टर मेथड में हमें इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए, दो, टू से ठीक ग्रेटर रियल नंबर क्या रखेंगे आप वहां पे, 2.1, 2.01, 2.001 कौन सा रियल नंबर रखेंगे यहां पर। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि हर सेट्स को, स्पेशली इनफाइनाइट, कुछ इनफाइनाइट सेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रोस्टर मेथड से नहीं लिख सकते, इसीलिए तो सेट बिल्डर मेथड तैयार की गई थी ताकि ऐसे सेट्स को लिखा जा सके। तो इतना लंबा लंबा लिखना पड़ेगा सर बार बार, ये x such that x is a real number greater than 2, नहीं सर थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, x such that x belongs to real number and x is greater than 2। तो सर इसमें और इसमें फर्क ही क्या है, तो ग्रेटर देन टू लिखना चाहिए, क्लियर। तो फिर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया कि हम बार बार इतना मैथ्स का मतलब क्या है ना, अगर हमको इतना ही लिखना है, इंग्लिश और हिंदी की तरह इतने स्टेटमेंट्स लिखने होंगे तब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। हम हमेशा चीजों को सिंबल्स की हेल्प से, है ना, स्पेस जो है वो जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई सेट ऐसे लिखा हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई सेट है ए, एंड इट इज रिटन एज एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मतलब एक्स कोई रियल नंबर है जो ए से बी के बीच का है, और ए और बी भी रियल नंबर्स हैं, ओके, एंड ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इस सेट को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, इन दोनों रियल नंबर्स के बीच के ना एक्स जो है ए से बड़ा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, ए और बी के बीच के, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है, सारे रियल नंबर्स। इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, मतलब है ये सेट ही, ठीक है, लेकिन हम इसको इन शॉर्ट दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं, ये बस रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। देखिए, मैं ए से ठीक ग्रेटर रियल नंबर लिख ही नहीं सकता, क्या आप कर्ली ब्रैकेट बना के रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब हम रोस्टर मेथड से लिख ही नहीं सकते और हम डिफाइन करना नहीं चाह रहे, सेट बिल्डर मेथड यूज नहीं करना चाह रहे हैं, रोस्टर मेथड से रोस्टर मेथड हम यूज कर नहीं सकते, तो फिर हम टाइम और स्पेस कैसे ऑक्यूपाई, कैसे मिनिमाइज करें। तो हमने क्या किया, हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट कर लिया, क्या कि अगर ए से बी तक, ए से बी के बीच के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे, ठीक। मान लीजिए फिर कोई एक और सेट है बी,
वैसे लिखा हुआ है x such that x belongs to R and ध्यान दीजिएगा अब यहां greater than equal to का साइन हो गया मतलब यहां पर क्या था x जो है a से ठीक ज्यादा था और b से ठीक कम था यहां पर क्या है a से लेकर के b तक के सारे रियल नंबर्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना टेंथ में उसमें हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते थे यहां पर a और b इंक्लूडेड नहीं है ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ये इंक्लूडेड नहीं है a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स ये हमें क्या बोल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b ओके और अगर आप a और b को इंक्लूड कर रहे हैं ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम a टिल b तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देने का मतलब है कि आपने इस एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड किया है और ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि आपने इस एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है 3 से 7 इसका मतलब 3 से लेकर मतलब 3 इंक्लूडेड है ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 3 ठीक है टू 7 All the real numbers between 3 and 7 including 3 ऐसे कर लीजिए All the real numbers between 3 and 7 including 3 But remember 7 included नहीं है हाँ अगर मैं इस bracket को हटा करके यहाँ भी square bracket लगा दूँ तो अब यहाँ 7 include हो जाएगा अगर मैं इस bracket को erase करके ये वाला bracket लगा दूँ तो अब यहाँ 3 exclude हो गया बाद 3 को हम नहीं count करेंगे 3 के ठीक आगे का number और 7 तक के सारे real numbers All the real numbers between 3 and 7 including 7 आई होप अब आपको इन ब्रैकेट्स का रोल यूज समझ में आ गया होगा जब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं और जब हम रियल नंबर्स के सबसेट को ये रियल नंबर का सबसेट ही तो होगा हम ए और बी ये क्या है थ्री और सेवन के बीच के सारे रियल नंबर्स को लिख रहे हैं तो ये पूरे रियल नंबर्स का क्या है सबसेट ही तो है पूरे रियल नंबर्स का तो ये सबसेट ही ये तो उसका एक पार्ट है द पॉइंट इज कि ये जो रियल नंबर्स के सबसेट है जिनको मैं इस तरीके से और इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनको इंटरवल्स भी कहते हैं इंटरवल्स ओके बहुत सारे राइटर्स इसको कॉन्टिन्यूअस सेट भी कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूटी है थ्री से लेकर के सेवन तक सारे रियल नंबर बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है एवरी रियल नंबर फ्रॉम थ्री टू सेवन इंक्लूडिंग सेवन इसको हम कॉन्टिन्यूअस सेट भी कहते हैं या इंटरवल्स भी कहा जाता है ओके तो ये बस है ना ये एक नई टर्मिनोलॉजी है हमको इतना डिफाइन ना करना पड़े सेट बिल्डर फॉर्म से इतना लिखना ना पड़े इसलिए हम शॉर्ट में इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख रहे हैं ठीक है अ सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम ए टिल बी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अ सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अ सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7 इंक्लूडिंग 7 उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इट्स क्वाइट सिंपल आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस सिंबल का क्या रिप्रेजेंटेशन है स्पेशली वो स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था ओके नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के जैसे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th ये ऐसे एक्सरसाइज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन और यहां फिल इन द ब्लैंक्स था और दूसरा सेट दिया था इसके आगे x such that x is a circle in the same plane with radius 1 minute और इस fill in the blanks में यहां पर हम लोगों को या तो ये वाली साइन लगानी है या तो ये सबसेट वाली साइन फिल करनी है या इज नॉट अ सबसेट या तो ये साइन फिल करनी है या तो ये साइन फिल करनी है
ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, मतलब या तो मैं यहां ये वाली साइन फिल करूंगा या तो ये वाली साइन फिल करूंगा। सो एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, हम एक प्लेन में सारे सर्कल्स बना ले, 1 यूनिट रेडियस के, 2 यूनिट रेडियस के, 3 यूनिट रेडियस के, एवरी काइंड ऑफ सर्कल, डेसिमल से लेकर मतलब है ना, ऑल द सर्कल्स इन अ प्लेन। और यहां से लिखा हुआ एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये कौन सा सेट है? ये सिर्फ उन सर्कल्स का कलेक्शन है जिसकी रेडियस 1 यूनिट, और ये सारे सर्कल्स का कलेक्शन है, 1 यूनिट वाले भी, 2 यूनिट वाले भी, 3 यूनिट वाले भी। तो ये वाला सेट इसके अंदर आएगा, ये वाला सेट इसके अंदर जाएगा, ये 1 यूनिट वाले सर्कल्स को कंटेन करेगा ना, इसमें जितने भी सर्कल्स आएंगे 1 यूनिट रेडियस वाले सारे सर्कल्स हैं, वो सारे सर्कल्स इसमें भी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये तो सारे सर्कल्स पर रखा है। लेकिन इसमें जो सर्कल्स होंगे 2 यूनिट रेडियस वाले, 3 यूनिट रेडियस वाले, वो इसमें होंगे नहीं। इसका मतलब सबसेट कौन है? ये सबसेट है इसका, दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। एक्चुअली सिंबल ऐसे बनना चाहिए, दिस अगर हम लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो सिंबल ऐसे बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि या तो आप ये फिल कीजिए या तो ये फिल कीजिए, शायद इसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मैं यहां ये तो फिल कर नहीं सकता, तो फिर मेरी मजबूरी है मुझे ये फिल करना पड़ेगा। भाई ये इसका सबसेट नहीं है, दिस वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। हाँ ये कह सकते हैं दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये वाला सिंबल क्यों फिल हुआ है, नॉट सबसेट वाला। ओके, सेकेंड इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 9। द क्वेश्चन इज एक साइड दिया हुआ है ए, और इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि फाई मीन्स एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, और कह रहा था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं एक स्टेटमेंट एक्चुअली और लिख दे रहा हूं, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ए लिख दे रहा हूं, इसको बी लिख दे रहा हूं। हम लोगों ने पढ़ा एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स इन दिस सेट। तो ये तो सर ट्रू, ए तो हमने पढ़ रखा है, दिस वन इज ट्रू, फाई बिलोंग्स टू ए, क्या एम्प्टी सेट ए का मेंबर है? ऐसा समझो इसी में समझो, इसी मैं आपसे पूछूं कि 1 belongs to A, और मैं आपसे पूछूं 1 belongs to A, मैं आपसे पूछूं 1 is a subset of A, ये इस तरीके से पूछूं, आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिख रहा है ना? हाँ देख रहा है। तो अगर पूछ रहा है कि 1 this set belongs to A, लिख रहा है दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स इन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स इन, तो इसका एलिमेंट कौन है? 1, क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो ये क्या, दिस सेट बिलोंग्स टू ए, क्या ये सेट एज अ मेंबर ए में है? नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि सर ये 1 लिखा तो है ना, आप देखिए बिलोंग्स का मतलब एलिमेंट, क्या ये सेट ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है क्या ये सेट? यहां पर क्या लॉजिक था, यहां पर क्या सेट डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, सबसेट की डेफिनेशन के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स मतलब ठीक है 1 मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए,
क्या वन ए में बिलोंग कर रहा है, तो वन ए में बिलोंग कर रहा है। और यहां क्या पूछ रहा है, क्या सेट वन, ये सिंगलटन सेट है ना, क्या ये सिंगलटन सेट ए का मेंबर है? जवाब होगा नहीं, वन एज अ सेट मेंबर नहीं है, वन एज एन एलिमेंट मेंबर है। हाँ, अगर यहां मुझसे ये पूछा जाता कि थ्री फोर, थ्री फोर क्या ये ए में बिलोंग करता है, देखिए ये पूरा एलिमेंट इसी तरीके से एज इट इज ये चीज ए में है कि ना, क्या क्या ये एज अ मेंबर ए में है? अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट के साथ थ्री और फोर दोनों ए में है, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं पूछूं कि थ्री फोर इज अ सबसेट ऑफ ए, थ्री फोर इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट मस्ट बिलोंग्स इन ए। तो क्या इस सेट के कौन कौन से मेंबर है, थ्री, थ्री क्या ए में है, क्या इंडिविजुअली थ्री, क्या सिर्फ थ्री ए में है? ये तो एज अ सेट है ना, इसको भूलिए, क्या अकेले थ्री है कहीं, थ्री एज एन एलिमेंट है इसमें, नहीं है, फोर एज एन एलिमेंट है इसमें, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ रहा है कि फाइव बिलोंग्स टू ए, तो फाइव क्या एक सेट है, क्या एम्प्टी सेट इसमें है? अगर मैं यहां कॉमा लगा करके ऐसे बना देता ना, देखिए ये एम्प्टी सेट मेंबर हो गया, ए का मेंबर हो गया, अब ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर यहां ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है तो अभी ये फॉल्स है। और अगर आपसे पूछे कि क्या एम्प्टी सेट ए का सबसेट है, तो यहां लॉजिक क्या हो जाएगा, यहां स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट मस्ट बिलोंग्स इन ए। हाँ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए में बिलोंग क्या करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ आ रही बात? तो बिलोंग्स का मतलब दूसरी चीज हो जाती है और सबसेट का मतलब दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। इन एग्जांपल्स पर गौर कीजिएगा, क्यों इसको ट्रू कह रहा हूं, क्यों इसको फॉल्स कह रहा हूं, क्यों इसे ट्रू कह रहा हूं, क्यों इसे फॉल्स कह रहा हूं, तो आपको बातें समझ में आएंगी। बिलोंग्स और सबसेट दोनों की डेफिनेशन, ये एज एन एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, ये पूरा ही एज इट इज ए में दिखाई देना चाहिए। क्या हो रहा है, ये पूरा एज इट इज ए में है, हाँ है, तो ये ट्रू है। और सबसेट का मतलब होता है इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्या थ्री, थ्री खुद एक एलिमेंट है, थ्री इंडिविजुअली, जैसे वन इंडिविजुअली है, टू इंडिविजुअली है, क्या थ्री इंडिविजुअली एक एलिमेंट है, नहीं है, फोर इंडिविजुअली एक एलिमेंट है, नहीं है, दिस वन विल बी फॉल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जब तक क्वेश्चन नजर आएंगे ना तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में, ठीक है, 216 स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी पढ़ते हैं और 316 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो मैटर ये करता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे क्या? नहीं, इन 216 स्टूडेंट्स में इंग्लिश वाले भी हैं और इन 316 इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स में हिंदी वाले भी, 16 स्टूडेंट कॉमन है ना हिंदी और इंग्लिश में। तो बात यह है कि इन 216 में 16 कौन से, इंग्लिश वाले भी, 200 लिख लेते हैं, ये 200 सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा समझो, 200 स्टूडेंट्स ओनली हिंदी एंड 300 स्टूडेंट्स ओनली इंग्लिश एंड 16 स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन क्लियर इमेज ये है, 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, वो हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते, 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो हिंदी जानने वाले कितने हुए, ये 200 और ये 16, 216, इंग्लिश जानने वाले कितने हुए, ये 300 और ये 16, और हिंदी इंग्लिश दोनों। तो अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टूडेंट कितने, तो 300, 216,
है ना 560। बहुत टाइम पहले एक मैथमेटिशियन नहीं कहेंगे, लॉजिशियन, एक लॉजिशियन थे जो लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं, उनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, आप एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। जॉन वेन वॉज एन इंग्लिश लॉजिशियन। उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को या सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका डेवलप किया। ठीक है, जैसे वो कहते थे कि अगर वो कहते थे कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब है कि ए बी के अंदर है। मतलब वो है ना, जैसे आप इसको कैसे समझ रहे हैं, अगर कोई मैथमेटिक्स का बंदा रहेगा तो वो इसको ऐसे समझाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट ऑल्सो बी एन एलिमेंट इन बी। लेकिन लॉजिशियन कैसे देख रहा है, ये ना बी के अंदर ए है सर, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट खुद ही हो गए। तो कहीं ना कहीं नहीं यार, हमेशा लॉजिक हमेशा मैथ से आसान होती है, लॉजिक पर ही मैथमेटिक्स प्रिपेयर की जाती है और फिर उसके बाद थ्योरम्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। लॉजिक हमेशा इजी पड़ता है अगर आप लॉजिक पकड़ लें तो। ओके, तो जॉन वेन ने सेट थ्योरी के लगभग ऑलमोस्ट हर सिचुएशन को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की थी। उन्होंने लॉजिकली सेट्स के हर स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की थी। किसी भी फिनोमिना को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो वो ठीक है कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना करके सॉल्व करते थे और इन फिगर्स को वेन डायग्राम कहा गया। ठीक है, थोड़ी सी बात एकदम क्लियर कर लेते हैं। जॉन वेन से बहुत टाइम पहले एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आयलर। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आयलर प्रोनाउंस करते हैं, इंडियन इंग्लिश में इसको यूलर प्रोनाउंस करते हैं। इन्होंने ये आइडिया सबसे पहले बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यूलर हर सिचुएशन को है ना, हर पॉसिबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। ठीक है, जॉन वेन को आयलर का आइडिया बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने आयलर के ये मेथड देखी कि अरे ये तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग वे में सेट्स को लेकर के जाते हैं। तो जॉन वेन ने आयलर के ही आइडिया पर काम किया और उसको मॉडिफाई किया। और जॉन वेन ने जो तरीका दिया था, जो मेथड्स दी, जो रिप्रेजेंटेशंस दिए सेट्स के लिए, वो सारे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मैथमेटिकली ट्रू निकले और सारे मैथमेटिशियंस ने, दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस ने उस समय एक्सेप्ट कर लिया। जॉन वेन ने कभी इन डायग्राम्स को वेन डायग्राम नहीं कहा था, जॉन वेन ने इन डायग्राम्स को आयलेरियन सर्कल्स कहा था। क्योंकि ये उनका इन्वेंशन, ये उनका काम था ही नहीं, ये आयलर के ही आइडिया को उन्होंने मॉडिफाई किया था, इसीलिए जॉन ने कभी भी अपना नाम नहीं दिया था इसे। लेकिन वेन का काम बहुत इम्प्रोवाइज था, बहुत डेवलप्ड था, इसलिए बाद के मैथमेटिशियंस ने धीरे 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 आते आते आगे आने वालों ने आयलर का नाम ही हटा दिया। आयलेरियन सर्कल्स बहुत कम लोग बुलाते हैं, सभी वेन डायग्राम्स ही बुलाते हैं, क्योंकि आइडिया भले आयलर का था लेकिन उसे पूरा, आपको याद है ना, फिजिक्स में इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, लेकिन उसको उस पर वर्क किसने किया, उसको लॉज ऑफ मोशन से जोड़ा किसने, आइजक न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्चुअली क्या था, वो गैलीलियोस लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आइजक न्यूटन को जाता है, उसकी वजह थी क्योंकि न्यूटन ने उसके ऊपर काफी काम किया था। सो इन द सेम वे आयलेरियन सर्कल जॉन वेन ने जरूर कहा था इसे, बट आने वाले मैथमेटिशियंस ने उसे वेन डायग्राम कहना ही सही समझा। बहुत सारे राइटर्स आयलर वेन डायग्राम भी कहते हैं, दोनों का नाम यूज करते हैं, आयलर वेन डायग्राम। खैर, दोनों का नाम यूज करना ही ज्यादा अच्छा है। देखिए, दिमाग में आइडिया आना बहुत बड़ी चीज होती है और आइडिया यूलर के दिमाग में आया था। मैं यूलर ही प्रोनाउंस करता हूं, बहुत लोग बुरा मान लेते हैं यूलर प्रोनाउंस करने पर। सो फटाफट से देख लेते हैं, वेन डायग्राम या वेन आयलर डायग्राम। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 1880 या 1881 के आसपास जॉन वेन ने ये रिप्रेजेंटेशन रिसर्च पेपर में सबमिट किया था।
ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो जिस तरह से चीजों को डिफाइन किया था, उसकी गूढ़ता आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से लिखी जा रही बात है। जैसे सेट्स की डेफिनेशन कैसे लिखी गई थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वहां वेल डिफाइंड क्यों यूज किया था। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में हम ठीक है इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं। उसी तरीके से आयलर्स वेन डायग्राम में हम लोग एक्चुअली ये ज्यादा ऑल द पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस इस पर जोर दे रहे हैं। वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस अमंग फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। आज मेरे फोन होल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बार बार फोन थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। व्हेन रिप्रेजेंटेशन फॉर टू सेट्स, व्हेन देखिए व्हेन से कहा गया कि भाई अगर आपको दो सेट्स के बीच में सारे पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस दिखाने हो तो आप कैसे दिखाएंगे, तो व्हेन ने कहा मैं ऐसे दिखाऊंगा। यही सब काम आयलर ने ढंग से नहीं किया था, व्हेन ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। ऐसे दिखाऊंगा ये हुआ ये और ये हुआ भी, तो इसमें खासियत क्या है, ये इन दोनों को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, दोनों को अलग अलग रखिए। तो वैन ने कहा कि मान लो अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आए, तो जैसे अभी हमने देखा कि 216 स्टूडेंट्स थे जो हिंदी पढ़ते थे, 316 स्टूडेंट्स थे जो इंग्लिश पढ़ते थे, मान लो ये सेट हिंदी वाला है, मान लो ये सेट इंग्लिश वाला है ना, तो 16 स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे थे, तो 16 स्टूडेंट्स इधर लिखाएंगे, ये स्पेस 16 स्टूडेंट्स का जो हिंदी वाले रीजन में भी है और इंग्लिश वाले रीजन में भी है। 200 स्टूडेंट्स इधर लिखूंगा मैं, ये सिर्फ हिंदी जानते हैं, इनका इंग्लिश वाले सर्कल से कोई लेना देना नहीं, देखो इंग्लिश वाला सर्कल उधर है, ये 200 स्टूडेंट्स सिर्फ हिंदी जानते हैं, ये 300 स्टूडेंट्स सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश वाले सर्कल में, हिंदी वाले सर्कल से इसका कोई लेना देना नहीं, ये 16 कॉमन है, टोटल कितने में 300 216 516। तो इस रिप्रेजेंटेशन की यही खास बात। अच्छा फिर उनसे कहा गया कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना होगा तो कहां दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल सेट को जनरली स्क्वायर से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, कहिए लो ये रहा यूनिवर्सल सेट। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हुए जो ना तो हिंदी जानते हैं ना तो इंग्लिश जानते हैं, मान लो 3-4-10 स्टूडेंट ऐसे जो ना हिंदी जानते वो बाहर आ जाएंगे। आप कोई भी सिचुएशन दो सेट्स के साथ सोचिए, ठीक है, आपको जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें, जो भी पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस होंगे ए और बी में, वो सारे इसमें लिखे जा सकते हैं, सारे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है वेन ने। अगर सर ये ई एच का पूरा सबसेट हुआ तो, मान लीजिए वेन ने ऐसे रिप्रेजेंट किया और किसी ने कहा कि मान लो आपने ऐसे लिखा है, अगर बी ए का सबसेट हुआ तो सर सारे एलिमेंट यहीं लिख देना, इसमें कुछ लिखना ही होता। अगर ए बी का सबसेट हुआ तो सारे एलिमेंट इसमें लिख दीजिएगा, ये कॉमन रीजन में, इसमें कुछ लिखना ही मत है ना। मतलब जितने भी पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन हैं वो सब इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। बहुत ही ठोस, बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेशन था वेन का और इसीलिए अप्रूव हुआ था। खैर इसको जरूर बना लीजिएगा, आई होप इट इज डन। So John, when representation for three sets?
अब बेन से कहा कि भाई थ्री सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तुमने कहा ये तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सर यूनिवर्सल सेट कहां दिखाएंगे बेन साहब, तो कहा ये लो, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये यू। ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया, इसकी खासियत क्या है, इस तरीके से ही डिजाइन क्यों बनाई आपने, तो हमने कहा ये देखिए। ध्यान से समझना, ये रीजन उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। हाँ यार, ये रीजन उस कंडीशन को, उस लॉजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो ए और सी दोनों में कॉमन होंगे। हाँ ना, ये वाला रीजन जो है ये उनको उस लॉजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो बी और सी में कॉमन होगा। बी एंड सी में जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन है वो ये वाला, ए और सी में जो कॉमन है वो ये वाला, बी और सी में जो कॉमन है वो ये वाला। ये बीच वाला कौन सा है जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो जाए? अगर कोई एलिमेंट ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, तो वो कहां जाएगा? वो बाहर लिखाएगा। कोई एलिमेंट सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, तो वो यहां लिखाएगा। कोई एलिमेंट सिर्फ सी में है, ए में और बी में नहीं है, तो यहां लिखाएगा। कोई एलिमेंट ए में सी में नहीं है, सिर्फ बी में है, तो वो यहां लिखाएगा। कोई एलिमेंट ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है, ए में है, बी में है, मतलब इसमें है और सी में नहीं है, मतलब सी वाले इसमें लिखाएगा। ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन ए बी सी में जो भी पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में हो, इसमें ना हो, इन दोनों में बिलोंग करता हो, इसमें ना बिलोंग करता हो, ए सी में बिलोंग करता हो, बी में ना बिलोंग करता हो, तीनों में बिलोंग करता हो, किसी में बिलोंग ना करता हो, तो बाहर लिखाएगा। जो भी पॉसिबल रिलेशन, जो भी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, उन सबको हम इस एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही थ्योरी वेन की बहुत बड़ी ताकत थी, इसीलिए आयलर की रिप्रेजेंटेशन को लोग भूल गए और वेन को पूरा क्रेडिट दिया आने वाले मैथमेटिशियंस में। खैर, हिस्ट्री से क्या लेना देना, हिस्ट्री तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगे, वरना बड़ा बोरिंग लगता है कभी कभी। आप लोग कहां पढ़ेंगे, ब्रिटानिका नहीं, विकिपीडिया पे देखिएगा, शायद मिल जाए, ठीक है, विकिपीडिया पे देखिएगा। ये थ्री सेट्स का तो हमने कंडीशन देख ली, फोर सेट्स होता तब कैसे रिप्रेजेंट करते, तब वेन ने क्या किया जब चार सेट्स उसके सामने आए थे। देखिए, टू सेट्स का तो बहुत सिंपल था, थ्री सेट्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फोर सेट्स रहते, फाइव सेट्स रहते, सिक्स सेट्स रहते, तो कैसे करते, है ना? तो बहुत ये दिखने में आसान भले लगता हो, बट ये लॉजिक इतना आसान है नहीं। ओके, हमारे सिलेबस में भगवान की दया से सिर्फ थ्री सेट्स तक का ही है, फोर सेट्स के बारे में बात नहीं की जाएगी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट बात कर ली, इंटरवल्स के बारे में बात कर ली, कुछ क्वेश्चन थे वो बात कर ली, और वेन डायग्राम बात कर ली। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए।